वीआईपी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अब वीआईपी गाड़ियों से सायरन हटाने की योजना बना रहे हैं। पुणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब सायरन को भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज से बदला जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे के चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण विचारणीय है, इसे नियंत्रण करना बेहद महत्वपूर्ण है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वीआईपी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का मौका मिला। मैं अब वीआईपी गाड़ियों से सायरन खत्म करने की योजना बना रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि हॉर्न सायरन की आवाज को भारतीय वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत से बदला जाए। मैं एक नीति बना रहा हूं कि सायरन की आवाज को बांसुरी, तबला, शंख की आवाज से बदल दिया जाए। इससे लोगों को सायरन की आवाज से राहत मिलेगी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। आपको बता दें कि गडकरी ने चांदनी चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परियोजना में कुल 4 फ्लाईओवर, 1 अंडरपास और 2 नए अंडरपास बनाया गया है। परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में यातायात को कम करना है। गडकरी ने कहा कि चांदनी चौक फ्लाईओवर परियोजना का लक्ष्य महाराष्ट्र के पुणे शहर में यातायात को कम करना है। 16.98 किलोमीटर लंबा पुल पुणे शहर और जिले में ट्रैफिक को कम करेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। 2.2 किलोमीटर लंबे चांदनी चौक इंटरचेंज का काम पूरा हो चुका है। 865 करोड़ रुपए की लागत से राजमार्ग के दोनों किनारे 2 आंतरिक और 2 बाहरी सर्विस लेन है। एक ही इंटरचेंज से 8 अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए 8 रैंप बनाए गए हैं। इस वजह से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं अधिकारियों के मुताबिक इस बहुस्तरीय फ्लाईओवर का निर्माण पूरे बेंगलोर राजमार्ग NH 48 और राजमार्ग के आसपास के स्थानीय क्षेत्र में यातायात अराजकता को कम करने के लिए किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला करीब 5 साल पहले रखी गई थी। राज्य सरकार और पुणे नगर निगम के योगदान के साथ परियोजना की अनुमति लागत 865 करोड़ है। राजमार्ग पर यातायात की अव्यवस्था से नगर निगम को चांदनी चौक के पुनर्विकास की योजना बनाने के लिए मजबूर किया। अधिकारियों ने कहा कि फ्लाईओवर में 4 पुल और 2 अंडरपास हैं, जिनकी सभी भुजाओं सहित कुल लंबाई 16.98 किलोमीटर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।